एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले एक लैपटॉप का जिसको मैंने अपने खुद के यूज के लिए परचेस किया है और इसका नाम है Asus Yobook Gaming। ये रहा वो लैपटॉप, मैंने इसको 3 दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और आज सुबह मुझे इसकी डिलीवरी मिल गई है। आज की वीडियो में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अगर आप 50,000 के आसपास कोई लैपटॉप लेने के लिए प्लानिंग करो तो आपके लिए बेस्ट लैपटॉप है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और भी ज्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Asus ने Yobook Gaming लैपटॉप को फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट पे इंट्रोड्यूस किया है। मैंने जब इसको परचेस किया तब इसकी प्राइस 50,000 रुपीज थी, पर अभी इसकी प्राइस 2,000 रुपए बढ़ गई है। करंट इसकी जो प्राइस है अराउंड 52,000 के आसपास है। सो आप प्लानिंग कर रहे हो परचेस करने का जल्दी से कर लेना क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट में सेल भी चल रहा है। सो भी आप सब लोग रेडी हो जाइए इस लैपटॉप के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के लिए। ये रहा Asus Yobook Gaming का बॉक्स है। यहाँ पे आपको बॉक्स के ऊपर Asus की ब्रांडिंग मिल जाती है और साइड में आपको लिखा हुआ मिलता है इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको हम आगे वीडियो में चेकआउट कर लगे। अभी इसको हम करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये लैपटॉप। लैपटॉप आपको ओनली एक ही कलर में अवेलेबल है जिसका नाम है स्टार ब्लैक। पर जैसे ही आप लैपटॉप को फिजिकली देखते हो आपको ये लैपटॉप नेवी ब्लू कलर का लग सकता है। अभी इसको रखते हैं साइड में, चेकआउट करते हैं आपको बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है यूजर मैनुअल जिसको हम आगे वीडियो में चेकआउट कर लेंगे और यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में आपको देखने को मिलता है एसी डीसी पावर एडेप्टर और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल। इस पोर्ट को आप अपने हाउस होल्ड पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पोर्ट मिले उसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो और ये जो पोर्ट है उसको आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। यहाँ पे आपको लैपटॉप का वेट 2.14 kg मिलता है जो गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से काफी लाइट वेट है। नेक्स्ट बात करते हैं इस लैपटॉप की 4 साइड्स के बारे में। यहाँ पे आपको सबसे पहले चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उसके बाजू में आपको लैन पोर्ट मिलता है, उसके बाजू में आपको HDMI पोर्ट मिलता है और उसके साइड में आपको USB पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है जहाँ से आप अपने फोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और उसके साइड में आपको 3.5mm जैक मिलता है जहाँ से आप अपने लैपटॉप के साथ हेडफोन और माइक को कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक साइड पूरी क्लीन मिलती है और यहाँ पे आपको कुछ और पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, उसके बाजू में आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लॉक मिल जाता है और इस साइड में आपको एयर वेंट मिल जाते हैं और नीचे आपको यहाँ पे 2 कूलिंग फैंस मिलते हैं। जैसे आपका लैपटॉप हीट होता है ये दोनों कूलिंग फैन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ से आपके हॉट एयर बाहर निकल जाते हैं और आपका लैपटॉप कूल डाउन हो जाता है। सो अभी मैं इस लैपटॉप को स्टार्ट करता हूँ और आपको वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ इस लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, उसके साथ में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जिससे आप बहुत ही स्मूथ एंड लैग फ्री गेमिंग कर सकते हो। साथ में आप इस लैपटॉप की ब्राइटनेस को 250 nits तक एक्सटेंड कर सकते हो जिससे आप आउटडोर कंडीशन में आराम से अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी 3 बेजर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको काफी फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है जिससे आपका गेमिंग का एंड वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस काफी एनहांस हो जाएगा। साथ में बात करते हैं कीपैड के बारे में। यहाँ पे आपको काफी अच्छा कीपैड मिल जाता है। यहाँ पे आपको कीपैड में बैक लाइट भी मिलती है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी बैक लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप उसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो। साथ में नीचे आपको यहाँ पे काफी अच्छा टच पर देखने को मिलता है और यहाँ पे ऊपर आपको एक वेब कैम देखने को मिल जाता है, ये HD वेब कैम है और यहाँ पे आपको और एक एडवांस फीचर मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, सिंपली आप अपने फिंगर को स्कैन करके अपने लैपटॉप को अनलॉक कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपको इंटेल i5 8th generation का प्रोसेसर मिलता है जिससे आप बहुत ही आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, हाई एंड ग्राफिक वाली गेमिंग कर सकते हो, आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आराम से इसमें रन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लैपटॉप बिल्कुल भी हैंग नहीं होगा। अगर आपको पर्पस ये है तो इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको 8GB रैम मिलती है और स्टोरेज के लिए आपको 512GB की SSD रैम मिलती है जिससे आप बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ पे आपको 4GB डेडिकेटेड NVIDIA ग्राफिक कार्ड मिलता है। जब भी आप गेमिंग लैपटॉप को परचेस करते हो तब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ग्राफिक मेमोरी डेडिकेटेड होनी चाहिए। अगर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं हुआ तो आपको ग्राफिक कार्ड आपकी रैम पे आएगा और आपका ओवरऑल लैपटॉप का परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, पर यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है जिससे आप बहुत ही आराम से और लैग फ्री गेमिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस लैपटॉप की OS के बारे में। यहाँ पे आपको विंडोज का प्री इंस्टॉल विंडोज 10 होम 64 बिट वर्जन मिलता है, वो भी जेन्युइन वर्जन। तो जैसे आप इस लैपटॉप को परचेस
परचेस करते हो सीधा आपको यूज करना स्टार्ट कर देना है। ओएस के लिए यहाँ पे आपको कुछ भी हेडेक नहीं करना, सीधा परचेस करने आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इस लैपटॉप की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आपको 3 सेल वाली बैटरी मिलती है जिसको आप 150 वॉट एडाप्टर से चार्ज कर सकते हो और इस लैपटॉप को चार्ज होने में अराउंड 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। एक बार फुल्ली चार्ज होगा तो इसमें आप 4-5 घंटे तक हैवी गेमिंग कर सकते हो और अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो जैसे कि एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और नॉर्मल आप सर्चिंग करते हो तो भी आपका लैपटॉप आराम से 6-7 घंटे तक चल जाएगा। सो यहाँ पे आपको काफी अच्छी और एवरेज बैटरी लाइफ मिलती है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं इस लैपटॉप के ऑडियो आउटपुट के बारे में। यहाँ पे आपको हार्मन कार्बन की ऑडियो आउटपुट सिस्टम मिलती है जिससे आपको गेम्स खेलने के टाइम, सॉन्ग सुनने के टाइम और वीडियोस देखने के टाइम आपको काफी लाउड एंड हाई क्वालिटी वाला साउंड सुनने को मिलता है और साथ में यहाँ पे जो स्पीकर की पोजीशन काफी बढ़िया है। यहाँ पे आपको नीचे इस तरह से साइड में स्पीकर्स देखने को मिलते हैं सो यहाँ पे आपको साउंड बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता और यहाँ पे आपको काफी लाउड एंड हाई क्वालिटी वाला साउंड सुनने को मिलता है। सो अभी तक आपको इस लैपटॉप के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए। अगर आपका बजट 50,000 के आसपास है और आप बहुत ही अच्छा एक गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाहते हो तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। मैंने भी इसको अपने खुद के यूज के लिए परचेस किया है और इसको आपको परचेस करना है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।